आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। आप चैनल पे बने रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है कि आपका यूट्यूब अकाउंट अगर मोनेटाइज हो जाता है तो आप जब उसमें बैंक अकाउंट डिटेल डालेंगे तब उसमें एक कोड पूछता है, स्विफ्ट कोड। तो अगर आपने बैंक में जानने की कोशिश की ये स्विफ्ट कोड क्या है तो बैंक वाले भी नहीं बता सकते। तो आज हम जानेंगे कि ये स्विफ्ट कोड कहाँ से पता चले, पता करें और ये स्विफ्ट कोड ढूँढें। तो आप बने रहिए और देखते रहिए, आगे पूरा वीडियो देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो पहले तो अगर आपका YouTube अकाउंट है या कुछ है तो वो मोनेटाइज करवाने के लिए उसमें बैंक अकाउंट लिंक करवाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये बैंक अकाउंट लिंक कराते समय तुमको पूछेगा कि आपके अकाउंट का स्विफ्ट कोड दीजिए। तो ये स्विफ्ट कोड आपका ब्रांच अगर रूरल है तो उन ब्रांच वालों को स्विफ्ट कोड पता नहीं होता। तो ये कैसे पता करें, तो क्या करना चाहिए कि हमें अपनी ब्रांच विजिट करना चाहिए। अगर हमारी ब्रांच रूरल ब्रांच है तो उनके पास शायद वो स्विफ्ट कोड नहीं दे पाएंगे, शायद उनको पता भी नहीं होगा कि ये स्विफ्ट कोड का क्या मामला है। तो आपको क्या करना चाहिए कि आपका जो मेन ब्रांच होता है हेड ब्रांच, वहाँ पे जाके उनको बोल देना या उनका कुछ ईमेल एड्रेस वगैरह है तो उनसे ईमेल करवा के वो स्विफ्ट कोड पता करना है। अगर इससे भी आपको स्विफ्ट कोड पता करवाने में दिक्कत आएगी तो आपको क्या करना चाहिए कि एक गूगल पे जाके स्विफ्ट कोड सर्च नाम की वेबसाइट, वो वेबसाइट ओपन करके अपना एरिया उसमें डाल के वहाँ से पिन कोड डालना है, बाकी भी सारे डिटेल डालनी है, तो वहाँ पे आपको आपका स्विफ्ट कोड मिल जाएगा। तो इसी तरह से आप अपने अकाउंट में स्विफ्ट कोड ऐड कर पाएंगे और स्विफ्ट कोड खोज के आपके अकाउंट में ऐड करके मोनेटाइजेशन का पैसा ले सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आगे बने रहिए, आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम वीडियो लेके आएंगे। चलो दोस्तों, बाय, अगले वीडियो में मिलेंगे।